पोस्ट योर मार्क्स एंड कौन सा एग्जाम दिया है ध्यान में रखना है ताकि अपना एग्जाम रिजल्ट जो है वो एक फेल से वो पास में कन्वर्ट हो जाए बेसिकली ठीक है ना सो so, फटाफट फड़ से आप लोग चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आपने दिया था एंड आप किस में फेल हुए फटाफट फड़ से एंड कितना नंबर आया है फटाफट फड़ से टाइप करिए ओके सो वी हैव वेदिका सी एस टू ओके सो देखो सो द पॉइंट इज फेल नहीं हो उसके लिए वी नीड टू एश्योर कि भाई हम लोग सबसे पहला जो मेरे को चीज लगता है वो ये है कि हम लोग को सारे क्लासेस अटेंड करने हैं ठीक है ना सो क्लासेस अटेंड करने हैं इसका मतलब ये है कि भाई हम लोग को एकदम पूरा रेगुलर सारा क्लास अटेंड करना है सर आपका क्लास और मेरा कॉलेज का बिल्कुल नहीं बनता है कॉलेज के टाइम पे आपका क्लास होता है आपको रिकॉर्डेड में करना पड़ेगा आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा सो एक्चुअल इज अ कमिटमेंट इट्स इट्स बेसिकली नॉट अ स्प्रिंट कि आपने भागा आपका एग्जाम क्लियर हो गया एंड इट्स डन नो एक्चुअल इज अ मैराथन जो आपको पांच साल साढ़े पांच साल छह साल भागना है विथ कंसिस्टेंट एफर्ट सो इट्स नॉट लाइक सम टाइम्स यू आर स्टडिंग नाइन आवर्स अ डे एंड सम टाइम्स यू आर स्टडिंग टू आवर्स अ डे इट्स नॉट दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट यू नीड टू हैव दैट डिसिप्लिन विद इन योर सेल्फ ओके सो लेट मी लेट मी जस्ट ट अबाउट माई मिस्टेक्स गलती पढ़ते टाइम ये था कि भाई मैं कंसिस्टेंट नहीं था मैं कोई टर्म एग्जाम दिया कोई टर्म नहीं दिया एक, -एक साल गैप हो गया सो so अपने को टर्म में गैप नहीं देना चाहिए ठीक है ना एंड हम लोग को सारा क्लासेस अटेंड करना है अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप रिकॉर्डेड अटेंड करो वीकेंड पे जो हमारे डाउट क्लास हो रहे हैं आप वो अटेंड करो जो कैलकाटा के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग सब सेंटर आके पढ़ाई कीजिए जो आउट ऑफ कैलकाटा स्टूडेंट्स हैं आप लोग सब मेरे को अप्रोच कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग सबके साथ में है ग्रुप्स का आप लोग यूज करें एंड हम लोग बार डिटेल्ड इवेल्युएशन देने वाले हैं मॉक्स में सो so, मॉक्स जो है वो हम लोग सबको एकदम अच्छे से देना है एक जो होगा आईएफओए का जो एग्जाम रजिस्ट्रेशन होगा या फिर जो आईआई का जो एग्जाम रजिस्ट्रेशन होगा ठीक उसके पहले होगा उसके दो हफ्ता पहले होगा बिकॉज वी विल वी विल बेसिकली गाइड यू की आप एग्जाम में बैठने के लिए केपेबल हो कि नहीं हो

Uh, देने वाले हैं ठीक है ना सो एम एस वर्ड के साथ आपको पूरा वेल इक्वेटेड रहना पड़ेगा बिकॉज हम लोग को पता है कि भाई आई जो अपना फॉर्मेट कर दिया है दैट इज इन एम एस वर्ड वन मोर ड्रॉबैक इज दैट आप कभी पेपर ए पढ़ते हो तो आपका पेपर बी से कॉन्सेंट्रेशन हट जाता है फिर आप जब पेपर बी कर रहे हो आपका पेपर ए से वो चीज नहीं करना है अपने को कंसिस्टेंटली चार से पांच घंटे पढ़ने हैं हर रोज एंड उसमें आपको इक्वल एफर्ट देना है पेपर ए और पेपर बी में राइट सो वी शुड नॉट थिंक कि भाई पेपर बी थर्टी परसेंट है एंड वी विल कवर इट इन द लास्ट ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है सो so, आपको एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा एक सेट गोल लेके चलना पड़ेगा सो माय सिंपल इज की एग्जाम के पहले आपको तीन बार अपना पूरा सिलेबस को कवर करना है सो so, एक बार आप जनवरी एंड तक करो एंड उसके बाद आप फेब एंड तक करो एंड उसके बाद आप मार्च एंड तक करो ठीक है ना आई ऑल्सो नो कि कॉलेज के इंटरनल्स होते हैं कॉलेज का सेम एग्जाम्स होता है एंड मोस्टली वो क्लैश करता है आपका एग्जाम के टाइम पे तो आप कंफ्यूज रहते हो कि आपको क्या चीज पढ़ना चाहिए बट ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी आपको कॉलेज का पढ़ाई डेली बेसिस में करना पड़ेगा ये मैं बता रहा हूं ना ये बैलेंसिंग आपको सीखना पड़ेगा कि भाई आपको कॉलेज के लिए कितना टाइम देना है आपको एक्चुअल के लिए कितना टाइम देना है ठीक है सो so, ये सब से ही आपका वो टाइम मैनेजमेंट स्किल डेवलप होगा आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि भाई आज अगर मैं पांच घंटा छह घंटा का कॉलेज नहीं मैनेज कर पा रही हूँ या फिर कर पा रहा हूँ तो हाउ विल आई मैनेज अ आवर जॉब एंड विद डेट वी नीड टू स्टडी एज वेल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डेट द मेन पेपर यू नीड टू क्लियर आर सी एम एंड सी एस सो अटूडेंट हू हैज क्लियर सी एम वन सी एम टू सी एस वन एंड सी ही और शी इज श्योर दैट समे आर गोइंग टू बी एन एक्चुअली बिकॉज यू नो द मोस्ट एफर्ट जो आपको लगाना पड़ता है वो इन पेपर में ही लगाना पड़ता है आज के फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखें सो एसपी लेवल एंड एस ए लेवल में बहुत ज्यादा कुछ डायनेमिक्स नहीं है कि भाई दो दो पेपर देने हैं वो सिंगल डे एग्जाम होता है अगेन देर इज सी पी टू सीपी थ्री विच इज क्वाइट इजी देर इज सी बी वन टू थ्री सीपी वन इज ऑन द टफर एंड सो दैट दैट्स अगेन बट उसमें क्या है ना बहुत ज्यादा सम्स ओरियंटेड नहीं है दैट इज थियोरिटिकल सो जो डायनामिक्स आप देखने को मिलता है आपको अगर मन में ये आ रहा है कि भाई मैं तो नहीं कर पा रहा हूं मैं जब सीएम वन ही नहीं निकाल पा रहा हूं तो मैं सीएम टू और आगे के पेपर एसपी ऐसे कैसे निकालूंगा बट इट्स नॉट दैट द फॉर्मेट इज वेरी क्लियर ये ऐसा कोर्स है जिसमें आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है ठीक है ना एंड आप एग्जाम से डरिए मत आपको खुला प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैं मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा इतना एक्सपीरियंस के साथ में मेरे को लगभग लगभग नौ से दस साल हो गए इस फील्ड में सो so मैं अपना एक्सपीरियंस से एक ही चीज शेयर करना चाहूंगा कि आपको जो रिविजन नोट्स है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो आपको एकदम अच्छे से सॉल्व करना है यू नीड टू गिव मे बी फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ऑफ इन योर कॉन्सेप्ट एंड द बैलेंस फिफ्टी परसेंट शुड बी अपोर्शन टू योर रिविजन नोट्स बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डोंट थिंक कि भाई मेरे को ये भी करना है मेरे को वो भी करना है मेरे को मैट भी सॉल्व करना है मेरे को तो आई आई के पेपर्स भी करने हैं, एंड मैं मैं और कुछ रेफरेंस टेक्स्ट बुक से भी पढ़ूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है आपको कॉन्सेप्ट अपना रॉक सॉलिड रखना है एंड उसके साथ ही साथ आप रिविजनरी नोट को प्रैक्टिस करना है सो द फर्स्ट एंड द बेसिक थिंग विच आई फील इज की भाई पहले आप सारे क्लासेस कंप्लीट करिए जितना हो सकता है अब आए, आप लाइव क्लास में आइए आप फैकल्टी से डाउट पूछिए आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से डाउट पूछिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके

एक पेपर को पढ़ने के लिए छह से सात महीने लगते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है एक बड़ा पेपर को तैयार करने के लिए आज के दिन पे दो से ढाई महीना इज सफिशियंट आपको रिविजनरी नोट्स को तीन बार सॉल्व करना पड़ेगा यह बात याद रखिएगा और आपको जो रिविजनरी नोट्स है उसको बिना देखे सॉल्व करना है जो भी कुछ आप पेपर ए में पढ़ रहे हो उसको पेपर भी में आपको साथ ही साथ इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा ठीक है ना एग्जाम से पहले नर्वस नहीं होना है अपना फ्लो को नहीं तोड़ना है कोई दिन मान लो बाहर जा रहे हैं पार्टी में जा रहे हैं कुछ भी जा रहे हैं आपको आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मेरे को आधा घंटा तो पढ़ना ही है मैं अगर आधा घंटा पढ़ लूंगा तो मतलब एक तरीके से आ, मतलब मेरा वो फ्लो नहीं टूटेगा वो फ्लो नहीं टूटना चाहिए दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओके एंड फेलियर का एक और कारण क्या है हम लोग इक्वल वेट के साथ नहीं पढ़ते मतलब जैसे आप समझो ना आप जब पास पेपर्स प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि भाई क्या क्या टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चनेबल है तो आप उस हिसाब से पढ़ो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप जो पढ़ रहे हो उससे कुछ नहीं आए मतलब वॉट आई मीन टू से इसकी कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूटली इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट और आपको पूरा चीज करके जाना है बिकॉज प्रोफेशनल एग्जाम में कुछ भी आ सकता है बट जो टॉपिक्स हैं, जो हाईली टेस्टेबल है वो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो वो क्या है ना मतलब ऐसा नहीं की भाई आपको स्ट्रैटेजी नहीं लगा रहे हो आप कोई गेम प्लान नहीं लगा रहे हो आप एकदम खाली सीधा सीधा पढ़ते जा रहे हो So, वो स्ट्रैटेजी भी बहुत बार वर्कआउट नहीं करेगा बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो लोग हैं कि मैंने बहुत मेहनत की थी मैंने, आपके भी की थे, मैंने पूरा गाइडेंस फॉलो किया है ये गाइडेंस रहेगा कि डोंट ट्राई टू बेसिकली कवर एवरीथिंग विद इक्वल एफर्ट दैट इज वट आई फील सो बेसिकली आपको ये करना चाहिए कि भाई ट्राई uh, कि भाई uh, मतलब आप पूरा पहले देखो हम लोग के वीडियोस में एवरीथिंग इज कवर्ड हम लोग का जो कवरेज है दैट इज हंड्रेड परसेंट तो वो आप सारा पहले कवर करो एंड देन व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रिवीजन नोट्स ना आप देखोगे कि कोई कोई टॉपिक्स ऐसा है जिसमें आपका पकड़ बहुत अच्छा बैठ गया है कोई कोई टॉपिक्स ऐसा है जिसमें आपका पकड़ उतना नहीं बैठा है तो जिसमें पकड़ नहीं बैठा है पहले उसमें अपना पकड़ को बैठाइए पहले उसमें अपने पकड़ को बैठाइए ताकि क्या होगा आपका हर एक जो टेस्टेबल एरिया है वो रॉक सॉलिड होगा आप समझ रहे हो नॉलेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पूरा चीज पढ़ना है What, मैं ये किसी को मना नहीं कर रहा हूं कि आप लोग मैट मत पढ़िए या फिर आप लोग एक्स्ट्रा मत पढ़िए मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि पहले ये समझिए कि पास का जो 60 या फिर जो 70 जो है वो कैसे स्कोर किया जाए ठीक है ना उसके लिए आप लोग को रिविजन नोट को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा एंड रिविजन नोट सिर्फ वही सॉल्व कर सकता है जिसका

तो आपका नॉलेज इंप्रूव हो रहा है एंड उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं बट पहले आपका जो 80 परसेंट जो एफर्ट जाना चाहिए वो वो पोर्शन में जाना चाहिए जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रोफेशनल एग्जाम प्रोफेशनल एग्जाम में खाली ऐसा नहीं है कि भाई आपका खाली कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है आपका वहां पर माइंड सेट टेस्ट होता है आप कौन से पैटर्न में क्वेश्चन चूज करते हो आपका वहां पर स्पीड चेक होता है आपका वहां पर पूरा कॉन्सेप्ट चेक होता है आपका टाइपिंग चेक होता है आपका हर एक चीज बेसिकली यू आर अ प्रोफेशनल सो द बेस्ट विल ओनली पास द एग्जाम नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आप अगर प्लेन सपाट मैट पढ़ते जा रहे हो दैट विल नॉट लीड यू एनी आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से एरिया से पर टर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं कौन कौन से टेस्टेबल एरियाज हैं तो पहले आप उनको कवर करो मैंने समझ रहे हो पहला जो मेरा एट्टी परसेंट एफर्ट जाएगा वो उस पर जाएगा फिर मैं देखूंगा भाई कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां से क्वेश्चन बिल्कुल अभी तक नहीं आया है बिकॉज जो पास्ट में कभी नहीं आया है वो अब आ सकता है समझ रहे हो तो फिर मेरे को उस पर जाना है फिर उसके बाद में मैं देखूंगा भाई मेरा रिविजन और तीन चार बार प्रैक्टिस हो गया है मेरे से अब बिना देखे सम्स बनता है मेरे को इसका कॉन्सेप्ट समझता है आई कैन इंटरप्रेट आई कैन रिलेट टू द क्वेश्चन फिर मैं जाऊंगा भाई एक्स असाइनमेंट में जाऊंगा मैं पूरा मैट रीड करूंगा फॉर माई इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मैं मैट के बैक क्वेश्चन करूंगा दैट इज हाउ यू डू द पेपर ए पार्ट एंड फॉर पेपर बी यू नीड टू हैव द प्रैक्टिस बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एवरी डे तो आपका वो फ्लो कभी बैठेगा ही नहीं एंड वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई पेपर बी पेपर बी जो है मैं Uh, मतलब लास्ट में करूंगा मैं तो लास्ट का बीस दिन खाली पेपर भी करूंगा वो बच्चे कभी पास नहीं हो सकते हैं सर मेरे बिल्डिंग में एक भैया है वो इसी तरीके से पास हुए तो तो गॉड ब्लेस यू बट मेरे को पर्सनली ये लगता है कि पेपर ए पेपर भी एंड टाइपिंग फॉर आई एफ स्टूडेंट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड जो मॉक एग्जाम्स है वो भी आपको देने पड़ेंगे ठीक है ना So, मैंने एकदम अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया यू नीड टू हैव दैट डिसिप्लिन विथ इन योर सेल्फ कोई भी कहीं पर भी बोल दिया किसी दोस्त का बर्थडे पार्टी है फैमिली आउटिंग है तुरंत तुरंत आप लोग बोलते हो हाँ हम तो जाएंगे हाँ हम तो जाएंगे लर्न टू से नो इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर वॉट यू वॉन्ट वॉट यू वॉन्ट बिकम्स अ सेक्रीफाइस सो इट्स वेरी सिंपल ओके इट्स नॉट बेसिकली कि भाई आप मस्ती भी करोगे आप बाहर भी जाओगे बहुत फ्रिक्वेंटली आप मूवीज भी देखोगे तो आपका हर चीज नहीं पॉसिबल है आपका टाइम जो है जो रिसोर्सेज आर लिमिटेड तो आपको उस लिमिटेड टाइम में अच्छा पढ़ाई करके निकलना है सो वेन एवर यू आर सिटिंग फॉर स्टडीज मेक श्योर यू आर स्टडी इट्स नॉट दैट द बुक इज ओपन एंड योर माइंड इज कि भाई मेरे को तो उससे बात करना था उसका मैसेज आ रखा है मेरे को मूवी के लिए जाना है मेरे कॉलेज का एग्जाम आ रहा है वो कोचिंग पे जाना है तो मेरे को स्पोर्ट्स में अच्छा होना है मेरा पेट निकल गया है ये सब अगर आप सोचोगे तो पढ़ाई नहीं होगा पढ़ाई करते टाइम फुल फोकस पढ़ाई पे जब खेल रहे हो तो फुल फोकस खेल पे जब बाहर पार्टी कर रहे हो तो फुल फोकस पार्टी पे जब कॉलेज में हो तो फुल फोकस कॉलेज में ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना पड़ेगा आपके आज के दिन का अगर मैं बताऊं तो अगर आप दस घंटा अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करते हो तो आठ घंटा आपका प्लानिंग हो रहा है दो घंटा एग्जीक्यूशन हो रहा है गलत दो घंटा प्लानिंग में होना चाहिए आठ घंटा एग्जीक्यूशन में होना चाहिए एक और चीज घंटे के हिसाब से मत पढ़ो कि भाई मेरे को मेरे को मतलब दस घंटा पढ़ना है गलत नोशन है गलत नोशन है बिल्कुल गलत नोशन है दस घंटा में मान लो दो ही सम बनाया तो गलत हो गया ना अल्टीमेटली पढ़ाई तो एक घंटे का ही हुआ जी समझ रहा है मेरे को ये बोलना है कि भाई अगर एक रिविजन नोट में पचास क्वेश्चन है पांच दिन में कवर करना है तो आज मैं क्वेश्चन नंबर वन से टेन बनाऊंगा उसमें मेरे को एक दिन लग जाए दो दिन लग जाए जब तक नहीं बन जाएगा मैं नहीं उठूंगा ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और मैं जब एक सम को कर रहा हूं तो मेरे को उसका सारा कॉन्सेप्ट को अपने अंदर लेना है मेरे को उसका सारा कॉन्सेप्ट को अपने अंदर लेना ऐसा नहीं कि बस देख लिया थोड़ा बहुत हो गया सम को एंड तक बनाइए जो बच्चा का 80 आ रहा है जो बच्चा का सब 50 आ रहा है या फिर 40 आ रहा है रीजन क्या है 80 वाला बच्चा एंड तक बना रहा है टाइम लेके सम को कर रहा है जब सम कर रहा है तो सोच रहा है इसके बदले ये आता तो क्या होता उसके बदले वो आता तो क्या होता अगर इसको ऐसे करेंगे तो क्या आंसर आएगा ये सोच से वो क्वेश्चन बना रहा है लेकिन जो बच्चा का चालीस आ रहा है वो क्या कर रहा है जो बच्चा का चालीस आ रहा है वो क्या कर रहा है बताओ तो वो खाली देख रहा है क्वेश्चन पढ़ा सोल्यूशन खोला रीड कर लिया आगे बढ़ गया नहीं वैसे नहीं होगा पंद्रह मिनट पढ़ाई हो रहा है आधा घंटा का ब्रेक हो रहा है ऐसे नहीं चलेगा दो घंटा आपको मिनिमम पढ़ना पड़ेगा ठीक है दो एक से नोट कीजिएगा सो so बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई आपको मिनिमम एक सेटिंग दो घंटे का तो रखना ही पड़ेगा आप एक सेटिंग दो घंटे का रखो फिर आप आधा घंटा का ब्रेक लो एंड देन आप दो घंटे का सेटिंग दोबारा से रखो तो क्या होगा एफिशियंसी बिल्डअप होता है मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं भाई अगर आप डिसिप्लिन वे में ये कोर्स को करते हो ये कोर्स की अगर आप पूजा करते हो तो ये कोर्स आपको बहुत फल देगा इससे अच्छा आज के दिन पे मार्केट में कोर्स नहीं है इससे हाईली पेड मार्केट में कोर्स नहीं है बहुत अच्छा प्रोफेशन है आगे जाएगा आई ने बोला है कि उनको वन लैक एक्चुअली चाहिए आई ने बोला है पच्चीस हजार एक्चुरी चाहिए हमारा नाम बन रहा है मार्केट में लेकिन बेटा पेपर्स क्लियर करने होंगे उसके लिए लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा ठीक है जितने भी सक्सेस लोग हैं जो लोग भी बहुत ज्यादा सक्सेस हुए लाइफ में वो लोग के अंदर एक चीज कॉमन है कि उनका जो डेली रूटीन है वो बहुत बोरिंग है वो सुबह चार बजे उठते हैं वो फ्रेशन अप होते हैं वो साढ़े चार बजे जाते हैं वॉक के लिए पांच बजे वॉक वाले जगह में पहुंचते हैं दो घंटा वो लोग वॉक करते हैं फिर वो लोग घर वापस आते हैं वो लोग फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाते हैं आठ बजे मतलब फॉर एग्जांपल वो लोग लो साढ़े सात पौने आठ बजे तक घर से निकल रहे हैं साढ़े आठ बजे वो लोग ऑफिस पहुंच रहे हैं वो लोग लो साढ़े छह बजे तक दस घंटा काम कर रहे हैं जब काम कर रहे हैं तो पूरा काम कर रहे हैं फिर उस समय घर के बारे में नहीं सोच रहे हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स ये सब के बारे में नहीं सोच रहे हैं पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं ठीक है ना बहुत सारा टेंशन दिमाग में नहीं चलना चाहिए ठीक है ना बेसिकली साढ़े छह बजे तक काम कर रहे हैं अपना धीरे धीरे करके फिर ऑफिस को क्लोज कर रहे हैं सात बजे तक वो लोग निकल जा रहे हैं आठ साढ़े आठ बजे तक घर पहुंच जा रहे हैं डिनर करके साढ़े नौ बजे तक सो जा रहे हैं ये स्केड्यूल अगर आप फॉलो जैसे मैं एक एवरेज में बताया फिर घर जाके थोड़ा बहुत फैमिली के संग टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो ये स्केड्यूल है हफ्ता में छह दिन का या फिर सात दिन का ठीक है ना so इसमें कोई भी एग्जोटिकनेस नहीं है कि भाई चल आज दोपहर में तीन घंटा चले गए चल आज संडे को ऑफ ले लेते चल आज तो मन नहीं कर रहा है काम वैसे नहीं होता है ठीक है ना सो so बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि हर टाइम में लाइफ में आप कैजुअल एटीट्यूड लेके नहीं चल सकते हो ठीक है ना आपको आपका स्लीपिंग हैबिट आपको आपका ईटिंग हैबिट ये सब सब कुछ ठीक करना पड़ेगा आप मान लो सर्दी का टाइम है आप बाहर जाके ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे हो तो सर्दी तो लगेगा एक बार सर्दी लग गया मतलब पांच दिन बर्बाद है आप समझ रहे हो आप बोलते हो कि भाई सर मेरा तो किस्मत ही साथ नहीं दे रहा है मैं जब पढ़ने बैठता हूँ मेरे को सर्दी जुकाम हो जाता है आप देखो कि सर्दी जुकाम क्यों हो रहा है आपको आपका इतना आपका इतना बेसिकली uh, uh, जो हेल्थ है वो इतना खराब क्यों हो रहा है बहुत ऑफन एक स्ट्रेस तो स्ट्रेस स्ट्रेस में आ जा रहे हो एग्जाम को लेके बिल्कुल नहीं नहीं लेना है स्ट्रेस कोई चीज का नहीं है। आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं आपको कोई पेरेंट्स ने तो झाड़ा नहीं है मैं भी आपको झाड़ नहीं रहा हूं मैं कभी कभी आपसे नाराज भली हो जाऊं लेकिन मैं आपको झाड़ नहीं रहा हूं आप चीज समझिए मैं आपका भलाई चाहता हूं इस दुनिया में सिर्फ दो ही जन आपका भलाई चाहते हैं आपके माता पिता और मैं निस्वार्थ भाव से मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जीवन में आगे बढ़े मेरे से भी आगे बढ़े और कोई तीसरा आदमी ऐसा नहीं होगा जो आपका भलाई चाहता होगा आप समझ रहे हो बाकी सबके अंदर एक कॉम्पिटेटिव नेचर आ गया आज के दिन पे क्या नेचर आ गया कि मैं सबसे आगे निकलू बट एक गुरु और माता पिता कभी ये चीज नहीं चाहेंगे कि भाई मेरा बच्चा मेरे से आगे ना निकले वो लोग हमेशा दुआ देंगे कि भाई मेरा बच्चा सबसे आगे निकले और हम मेरे को ये लगता है एक्चुएटर्स हैज प्रोवाइडेड दैट इकोसिस्टम कि भाई आप हर चीज हमसे शेयर कर सकते हो आपको कोई भी कभी भी प्रॉब्लम है आप टीम को बोलो हो सकता है थोड़ा डिले हो बिकॉज मैं बहुत बिजी रहता हूँ एक दिन दो दिन समय लगेगा बट आपका काम जरूर होगा ठीक है सो ये है एंड मैं ये बोलूंगा कि आप मेरे साथ साथ रहिए सारा गाइडेंस को फॉलो करिए आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी और मैं आपको जो बोला कि दिखने में लगता है तेरा पेपर है बट अगर चार पेपर क्लियर हो गया ना उसके बाद बल्ले ही बल्ले है खाली चार पेपर आपका सीएम सीएमसीएस ये चार पेपर अगर आपका क्लियर हो गया देन आप एक्चुअली बनोगे बिकॉज उसके बाद आपका इजियर पेपर का जर्नी शुरू होता है एंड बीच में एक डिफिकल्ट पेपर आता है आपका सीपी वन एन एसपीएनएस एक एक करके निकलते जाएगा एंड आपके हेट पे फेदर्स लगते जाएंगे ठीक है ना बट यू नीड टू लर्न टू से नो यू शुड बी स्ट्रिक्ट इन योर शेड्यूल कि मेरा ये पढ़ने का टाइम है मेरा ये पढ़ने का टाइम है तो मैं अभी एकदम अच्छे से पढ़ूंगा मैं मैं बाहर उतना नहीं जाऊंगा आप जाओ आप हफ्ते में एक दिन दो घंटे के लिए जाओ मैं मना नहीं कर रहा हूँ बट आप हर दिन दो घंटा के लिए जा रहे हो आप क्या प्रायोरिटी दे रहे हो वो बहुत मैटर करता है लाइफ में ठीक है ना सो so बेसिकली आप ये समझिए आप कुछ नया सोचना होगा नया स्ट्रेटेजी बनाना होगा पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल अपना मत बनाइए ठीक है छह से सात घंटे का नींद इज इनफ नौ नौ दस दस घंटा जो व्यक्ति अपना जीवन में सोएगा वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है बात मेरे से सुन लीजिए जिसका दिन जैसे जो बीकॉम इवनिंग की जो गर्ल्स है फिर जो डे बच्च के बच्चे हैं अगर वो रात में दस बजे सो जा रहे हैं ग्यारह बजे सो जा रहे हैं सुबह नौ नौ बजे तक सो के उठ रहे हैं उनका तो ऐसी ही आधा दिन तो खत्म हो गया तो वैसा टाइप का बच्चा जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता और मैं उनके के बात बात भी नहीं कर रहा हूँ ठीक है ना तो ये प्रोफेशनल कोर्स है कोई पार्ट टाइम कोर्स नहीं कि भाई चलो कभी कैजुअली कर लिया कभी नहीं किया एक प्रोफेशनल कोर्स का मतलब होता है कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना आज आप समझ लो सब बच्चा का मैथ्स में सौ में सौ आया है तो उसमें से द, 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 दस में में बच्चा चार बच्चा पास हो रहा है तो इट इज अ डिफिकल्ट कोर्स ये बात दिमाग रखिएगा एंड आपको हर रोज पढ़ाई करना आने वाला पांच साल ये आने वाला पांच साल आप इस पढ़ाई को दीजिए आज मेरे को देखो ना पैसे की कमी है ना नाम की कमी है ना इज्जत की कमी है मेरे पास आज के दिन पे सब कुछ है मेरे पास सब कुछ है तो कैसे आए मैंने पहले बहुत सैक्रिफाइस किया है मैंने दस साल एकदम बहुत मेहनत किया और आज भी बहुत ही डेडिकेटेडली मैं पूरा दिन काम करता हूँ ठीक है ना ताकि सबका एग्जाम क्लियर हो तो बेसिकली ये जो है एटीट्यूड पैशन लाना पड़ेगा अंदर से कि भाई मेरे को ये करना ही है क्यों नहीं हो रहा मेरे से ये सब मेरे को देखना ही है अगर सर मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे है? मैं सर को दोबारा से बार अप्रोच करता हूँ थोड़ा झुक जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ईगो में मत लेना कि सर मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं व्हाट इज दिस मैंने तो पैसा दिया नो हो सकता है सामने वाला बिजी हो आप एक दिन का वेट करो आप मेल करो ठीक है ऑफ इन आप किसी भी नंबर पर फोन कर सकते हो ठीक है सो बेसिकली पॉइंट इज कि भाई आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है ठीक है ना मैं देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में बात नहीं करूंगा कि भाई तुम ये करो तुम वो करो ये करने से पास हो जाएगा यू नो बेटर यू नो बेटर कि भाई तुम्हारा कहां पर लैग हुआ है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखो तुम लोग उसके हिसाब से देख के अपना भाई देखो कि मेरा कौन-कौन सा वीक एरियाज है उसके हिसाब से ही काम करो ज्यादा ज्यादा करके पढ़ाई अभी कर लो ताकि एग्जाम के टाइम पे प्रेशर बिल्ड अप नहीं होगा ठीक है ना टुवर्ड्स द एंड कुछ भी नया मत पढ़ना जैसे मान लो फेब मार्च में ऐसा में कुछ भी नया मत पढ़ना कीप एन आई ऑन द प्लेसमेंट सेशंस दैट वी आर कंडक्टिंग हम लोग ग्रुप में डालते हैं ऑलमोस्ट एवरी वीक वी विल यूक्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशन ठीक है सो so, देखो दिस इज इट दैट्स इट फ्रॉम माय एंड ओके एंड जो भी आप लोग को पर्सनल क्वेरीज है वो आप लोग मेरे को चैट पे व्हाट्सएप पे लिख सकते हो मेरा नंबर आपके पास में है ठीक है सो so, बेसिकली मैं फिर दोबारा से आज रिपीट करना चाहूंगा डिसिप्लिन लाइफ में लाना वेरी इंपॉर्टेंट शुरू का एक महीना आपको बहुत प्रॉब्लम होगा बट देन यू विल सी द वंडर्स दैट द डिसिप्लिन कैन डू ओके यू नीड टू बेसिकली सपोर्ट योर फैमिली यू नीड टू बेसिकली सपोर्ट कि भाई आप पहले खुद कुछ बनोगे जीवन में तो आपको देख के आपके जो आसपास के सराउंडिंग में जो जूनियर्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा उनको भी एक uh, रास्ता मिलेगा कि हाँ भाई ये भैया ने ये दीदी ने किया तो मैं भी यू नीड टू बेसिकली हैव दैट और की भैया आप कहीं पर भी जा रहे हो तो लोग बेसिकली आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं आपका मतलब वैल्यू कर रहे हैं। वो चीज आपने अभी तक देखा नहीं है पोटेंशियल प्रोवाइड यू एंड यस संघर्ष कभी जीवन में खत्म नहीं होता है आज संघर्ष है कल संघर्ष बढ़ेगा कम नहीं होगा ठीक है ना बट यू विल हैव दैट पावर यू विल हैव दैट मोटिवेशन यू कैन बेसिकली हैव दैट विथ स्टैंड भाई मैं अब इसको संभाल सकता हूँ वो वो बहुत जरूरी है ठीक है ना कोई भी दिन कसम खाइए कि स्किप नहीं जाने देंगे कि भाई कोई एक दिन मेरा स्किप चला गया पढ़ाई पढ़ाई स्किप नहीं जाना चाहिए ठीक है ना ऐसा नहीं हो भाई एक हफ्ता कुछ नहीं पढ़ा दीदी का शादी है भैया का शादी है थोड़ा सा कप डाउन करो थोड़ा सा इतना बहुत ज्यादा उधम मचती करो पूरा दिन लेकिन क्या है दो घंटा तीन घंटा कहीं भी हो तुम लोग को वो चीज निकालना पड़ेगा ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू दैट्स इट फ्रॉम माई एंड थैंक यू सो मच